चलो जी शादियों का सीजन स्टार्ट हो गया। Assalamu alaikum beautifuls, how are you today? Do let me know in the comment section that how are you doing today. So this is just a recap for you. If you haven't seen my before videos, I have already posted my skincare and my get ready with me video on my channel, so you can check out all that. But if you haven't checked out that, you can always, I can give you a recap. तो आज हम जा रहे हैं जी शादी पर। शादी किसकी है जी, आपको आगे चल के ज़रूर बताती हूँ, और वो बहुत कुछ आपके साथ शेयर करना है व्लॉग में, क्या क्या आने वाला है, कहाँ गए थे, कैसे गए थे, किसके साथ गए थे, क्यों गए थे, और वहाँ जाकर किस किस से मिले, क्या क्या हुआ और क्या क्या खाया। यस, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बहुत मज़े का खाना था जी, सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो डोंट गो एनीवेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, because I always post most fun videos and fun transformations too. So yeah, let's start the vlog. Assalamualaikum, kaisi ho Miss Maima? चले जी, शादी थी जी मेरे हस्बैंड की कज़न की बेटे की, और आपको लग रहा होगा जैसे कोई दूर का रिश्ता है, लेकिन इतना भी दूर का नहीं था। तो इट्स नॉर्मल इन आर कल्चर एंड सोसाइटी दैट वी गो टू द स्पेंड, मतलब वी हैव टू हैव 100 पीपल ऑन आवर वेडिंग, वरना तो जस्ट लगता है जी शादी ही नहीं हुई मतलब शादी शादी सी हो गई है। चले जी, हॉल बहुत खूबसूरत है, आई हैव कैप्चर्ड ऑल द पिक्चर्स, ऑल द साइड्स फ्रॉम द हॉल। बहुत ही वेलकमिंग लग रहा था हॉल। हॉल का नाम चले मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली इस टाइम याद नहीं है कि हॉल का क्या नाम था। बाकी हॉल बहुत खूबसूरत था और डेकोरेशन बहुत अच्छी हुई हुई थी, इट वॉज़ वेरी गुड एंड आई लाइक इट। उसके बाद जी चले आपको मिलवाती हूँ मैं किस किस से मिली। Assalamu alaikum. This is the one couple who doesn't mind to be in the vlog. अच्छा जी, मेरी नहीं आ रही। फिर मेरा व्लॉग अमेरिका तक जाएगा। हाँ जी, बैक। ये हैं जी मेरी सिस्टर इन लॉ, और इनकी शादी के व्लॉग्स भी मेरे चैनल पे हैं। चलिए जी, स्टेज बहुत खूबसूरत था। आई मीन कैन यू बिलीव हाउ मच लाइटिंग इज हैड ऑन बैक। बहुत ही खूबसूरत बैकग्राउंड लग रहा था। ऐसी चीज़ें मुझे व्लॉग में ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही होती हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी केटरिंग का काम करते हैं, एंड आई हैव बीन थ्रू एंड गॉन थ्रू ऑल दिस डेकोरेशंस एंड आई नो हाउ मच दे कॉस्ट। चल जी, दुल्हा दुल्हन आगे हैं और उनकी अब एंट्री होने लगी। बहुत ही खूबसूरत एंट्री थी जी, जाना कहीं नहीं आपने, क्योंकि देयर वॉज ड्रामेटिक एंट्री। क्या था जी ये, इस तरह के फॉर्म जो है या स्मोक जो है वो, आई थिंक इट्स कॉल्ड नाइट्रोजन गैस, जिसकी स्मोक जो है वो इस तरह उड़ी होती है। आई डोंट नो व्हाट इज इट, इफ़ यू नो व्हाट इज इट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट व्हाट काइंड ऑफ गैस दिस इज। एनी हाउ, उसके बाद जी कन्फेटी बहुत थी और अनार तो आपके सामने तो जो खूबसूरत होते ही हैं वो थे। इट डज लुक लाइक अ ड्रीम विद ऑल दैट स्मोक एंड एवरीथिंग, सो आई रियली लाइक इट। डू यू लाइक इट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट वर योर thoughts, because I think this is once in a lifetime experience and I think we should enjoy it and we should celebrate it. Chalo ji, ek khoobsurat si bachchi se aapko milwati hu, mashallah zarur kahiyega. Oh ho, ek dafa phir se zara. Her name is Safa and she asked me to be in the vlog, so I fulfilled her request to write mashallah in the comment section for her. Aaj to frog bada pyara pehna. Oh my god. हाँ जी, कमेंट सेक्शन में मुझे ये तो आपने ज़रूर ही बताना है कि आपको इस सीज़न की वेडिंग कार्ड आया है कि नहीं आया, अभी अब तक आप किसी शादी पर गए हैं, क्योंकि अभी तो मौसम ठंडा होना शुरू हुआ है। बाकी ये कि ज़िंदगी के काम हैं, चलते रहते हैं। चलो आई थिंक पीपल आर गेटिंग एक्साइटेड अबाउट मी पुटिंग दैम इन टू देयर व्लॉग्स, रिक्वेस्ट करते हैं जी हमें व्लॉग में डालने लगी हैं। वैसे आई गेट हेजिटेटेड कि मैं मत किसी को अफेंड ना कर दूं, सो आई रिस्ट्रेन माय सेल्फ। हमारी फ्रेंड भी आई है, ओह माय गॉड, इट्स ओके।
चले जी सबसे इम्पोर्टेंट काम कर लेते हैं शादी का, जिसको हम कहते हैं जी पंजाबी में सलामी डालना। आपके एरिया में इसको क्या कहते हैं, सगन डालना कहते हैं, क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। हम तो जी सलामी डालने लगे हैं। अब चलते हैं जी खाने की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि आवाज लग गई थी कि रोटी खुल गई है जी, आई टुक एन एडवांटेज ऑफ द मोमेंट एंड आई फिल्म द यू नो क्लिप्स ऑफ द फूड फॉर यू गाइस के तरसों बैठ के, बिकॉज इट वाज वेरी डिलीशियस। सबसे पहले जी रशियन सैलेड थी, उसके बाद आई थिंक दिस वाज एन अफगानी पुलाव, आई डिडंट टेस्ट इट बट लुक्स डिलीशियस। उसके बाद आई थिंक खाने में काफ़ी डिशेज थी, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू बी दिस मच। ये है जी मटन कौरमा, और इसके बाद हैं जी रोगनी नान, बहुत ही टेस्टी थे। हानिया को बहुत पसंद है जी नान बोटी, तो वो तो यही खाती है। उसके बाद था जी आई थिंक कबाब थे, यस मोती कबाब जिसको कहते हैं, वो थे बहुत ही यमी थे। इट वाज द फूड वाज वेरी डिलिशियस, माशाल्लाह बहुत ही मज़े का खाना था। इसके अलावा द मोस्ट इंटरेस्टिंग फूड और आइटम यू कैन से वाज दिस वाज अ चाइनीज राइस, और इसके साथ जी थी मशरूम चिकन था, बहुत ही यमी था। तो इट वाज अ डिफरेंट डिश, तो मैंने तो यही खाया था। अपनी प्लेट मैंने आपके साथ नहीं शेयर की क्योंकि मैं खाने में बिजी हो गई जी, सच्ची बात है। उसमें शादी में जाकर तो यू नो मतलब खाने के टाइम पे तो बंदा कहता है किसी से मत बात करे, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी। और मीठे में था जी कस्टर्ड और फ्रूट कस्टर्ड था, चाय भी थी और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, तो अब यू नो एज यू नो के इट गोज। और अब मैं लेने लगी हूँ जी अपना खाना। उसके बाद जी हमने एंड पर पी थी जी कश्मीरी चाय, बहुत ही मज़े की थी। और चलिए जी बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। अगर आपने ये शादी अटेंड नहीं की थी, व्यू और रिलेटिव ऑफ मी वॉचिंग दिस वीडियो, तो बहुत मिस किया आपने, बहुत अच्छा फंक्शन था। इस तरह की गैदरिंग में आप अपने कज़न से मिलते हैं जिनको आप नॉर्मली इतना नहीं मतलब मिल पाते, सो दिस गैदरिंग्स आर वेरी काइंड ऑफ एक आपको एफर्ट करके घर से निकलना पड़ता है और जाना पड़ता है, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से मिलते हैं आप, जिनको मतलब इतना कोई आप तरद्दुद नहीं करते मिलने का। चला जी लाइट्स ऑफ हो गई थी, उन्होंने कहा जी शादी ख़त्म, पैसा हज़म, और आप लोग जाएं अपने घरों को, क्योंकि हम लोग वहाँ से उठने का नाम नहीं ले रहे थे। तो हमने भी जी उठकर कहा जी लेट्स मूव ऑन, और हम लोग चले थे अपनी सवारी की तरफ। तो हम जाते हैं जी घर को, और आपने क्या करना है, All you need to do is like this video and subscribe to my channel for more of these fun vlogs, because I always post these kinds of vlogs. So this is my whole vlog. I hope you like my video. If you like, then don't forget to give it a thumbs up and subscribe to my channel. I will see you in my next video. Until then, take very good care of yourself and the loved ones around you. And before you can check out all these other vlogs that I've shared before. Thanks for watching, guys. Allah Hafiz.